वहीं बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी के निजी सचिव को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। चिराग नयन नाम के फेसबुक प्रोफाइल वाले किसी व्यक्ति ने नफे सिंह राठी के निजी सचिव को जान से मारने की धमकी दी है और साथ ही उसके चौधरी को भी गोली मारने की धमकी दी गई है। यहां चौधरी शब्द का प्रयोग नफे सिंह राठी के लिए किया गया है या फिर उनके भतीजे कपूर राठी के लिए, यह अभी तक साफ नहीं हो पाया है। जिस व्यक्ति ने यह धमकी दी है उसने अपने फेसबुक प्रोफाइल पर सिद्धू मूसेवाला को जान से मारने का दावा किया है और इसकी एवज में 5 लाख रुपए मिलने की भी बात लिखी है। मामले में नफे सिंह राठी, उनके भतीजे कपूर राठी और सुखबीर सरोहा ने पुलिस को शिकायत दी है, लेकिन इसके बावजूद भी अब तक मामला दर्ज नहीं किया गया है। नफे सिंह राठी ने मुख्यमंत्री को अपनी शिकायत भेजी है और सुरक्षा देने की मांग की है, साथ ही धमकी देने वाले शख्स को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की भी मांग की है। दस तारीख को मेरा पीए है मास्टर सुखबीर सरोवा, उसको धमकी मिली है जान से मारने की और उसके बाद वो कोई टेलीफोन से नहीं बल्कि फेसबुक से डाली गई है। उसी की फेसबुक से आईडी है, कोई नीरज नाम का लड़का है, नीरज नैन चिराग नैन उसने ये धमकी डाली है और उसके अलावा ये भी कहा है कि तेरे चौधरी को भी गाड़ियां दी गई है, उनको भी देख लेने की धमकी दी है। तो चौधरी नफे सिंह राठी भी हो सकता है, कपूर भी हो सकता है। तो मैंने भी 10 तारीख को तो सुखबीर सरोवा ने कंप्लेंट दी क्योंकि उनका थाना लगता है, लाइन पर रहते लाइन पर थाने, और 12 तारीख को कपूर राठी ने कंप्लेंट दी सिटी थाना बाद में। कांवड़ यात्रा